पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पत्रकार साथियों पर अवैध तरीके से पुलिस के द्वारा की गई एफआईआर दर्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने आज जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि एफआईआर कराने का विरोध सभी पत्रकार साथियों में है। उन्होंने कहा कि घटनात्मक कवरेज पर रिपोर्ट दर्ज कराना कहां तक उचित है, क्या ये प्रेस पर अवैध तरीके से अंकुश लगाने की तैयारी तो नहीं। यूनियन ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग की है। मालूम हो कि 5 दिसंबर को सिविल लाइन थाना अंतर्गत काठ रोड स्थित स्कॉलर डैन में हादसा हुआ था और छत का लेंटर खोलते हुए 2 मजदूर करंट लगने से नीचे गिर गए थे। इस घटना की मुरादाबाद के अधिकांश अखबारों ने कवरेज की। अपने घटनात्मक कवरेज 6 दिसंबर के अंक में छापी। इस दौरान सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि पत्रकारों पर अवैध तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सच्चाई लिखना किसी भी तरह का अपराध है तो महोदय जानकारी अवश्य दें कि किस तरह की खबरें लिखनी है। पदाधिकारियों ने कहा कि सत्य तो बहुत से हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ताकि अपने स्तर से जांच कराएं और अनुचित तरीके से शामिल किए गए पत्रकार साथियों को निकलवाने का कष्ट करें। आज हम यहाँ डीएम साहब से इस वजह से मिले कि हमारे एक यूनियन के वरिष्ठ साथी हैं सनेश ठाकुर जी, विधान केसरी के यहाँ के इंचार्ज हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा जो है वो लगाया गया सिविल लाइन थाने में सिर्फ एक खबर लिख, और वो खबर भी सिर्फ इसका जो हादसा वहाँ हुआ था 2 मजदूरों का उसको लेकर के लिखा गया। आज हमने डीएम साहब से ये बात की है कि हमें आप प्रशासनिक तौर पर ये बताइए कि कौन सी खबर ऐसी है कि जो जिस पे लगने जिसको हम लगाते हैं और हमारे ऊपर मुकदमा लग जाता है, हमें वो राइट हमारे बता दीजिए। क्योंकि अब आजकल एक लोगों का एक मिजाज बन गया है कि जब तक आप उनके फेवर में कोई खबर लिखते हैं तो बहुत अच्छा वाह वाह, और जहां आपने उनके कोई घटनाक्रम हुआ और आपने कोई खबर लिख दी तो फिर वो आपके दुश्मन हो। सर, खबर जानना चाहेंगे, ऐसी क्या खबर थी जिसकी ओपोजिट मुकदमा दर्ज किया? ये थी कि यहाँ एक वो है इंस्टीट्यूट है, उसमें एक तामीर चल रही थी, उसमें 2 मजदूर गिर गए थे और वो मजदूर जो गिरे थे उसके लिए एक लापरवाही की खबर लगाई गई थी। तो ये खबर लगाना कहाँ तक हमारा जुर्म है, हमारे साथी का कहाँ तक ये जुर्म है, ये हम आज डीएम साहब से मालूम करने के लिए आए थे कि वो इस पर ज़रा सा अपना एक एक्शन लें और सिविल लाइन थाना से मालूम करें कि इस खबर के अंदर ऐसा क्या है कि जो ये खबर लिखने पे जो है एक मुकदमा कायम हो जाता है किसी उस शख्स के साथ, ख़ास तौर से विधान केसरी, क्योंकि एक बड़ा अखबार है, 4 उसके एडिशन निकलते हैं और वो ज़िम्मेदार अखबार है। ऐसे अखबार के चलाने वालों के ख़िलाफ़ खबर लिखना ये कहाँ तक उचित है, ये हम आज डीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया गया डीएम? डीएम साहब ने कहा कि नहीं, ठीक है आपकी बात, और उन्होंने उसको नोटिस भी कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पूरी तरीके से संज्ञान लेंगे और इसमें जो उचित होगा और जो सही होगा वो करेंगे। सर, आखिरी सवाल, मुकदमा किसके और कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है? ये मुकदमा हमारे साथी हैं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सनेश ठाकुर जी, विधान केसरी के यहाँ जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर वो मुकदमा किया है डैन स्कॉलर डैन इंस्टीट्यूट सेंटर है उसके मालिक विवेक ठाकुर जी की तरफ से, और इस पे हमें कड़ी आपत्ति है कि इस तरह के मुकदमे पुलिस बिना किसी जांच के लिख देती है। पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी कि क्या वो खबर इस दायरे में आती भी है कि नहीं है कि जिसमें वो, तो इसमें हमने डीएम साहब से कहा कि आप इसमें पूरी तरीके से संज्ञान लीजिए। ठीक। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।